वैसे तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उनके बयानों से कई बार अमेरिका में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती दिखाई दी। ट्रंप के बड़े बड़े दावों के बाद ट्विटर, फेसबुक सहित तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्हें बैन कर दिया गया है, लेकिन अब ट्रंप ने इसका तोड़ निकाल लिया है। तो क्या करने वाले हैं ट्रंप, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नए राष्ट्रपति बनने के बाद कैपिटल हिल में जो हिंसा हुई, उसके बाद ट्रंप अपने समर्थकों से सीधा संवाद नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब खबर ऐसी आ रही है कि ट्रंप सोशल मीडिया पर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप के एक करीबी का कहना है कि ट्रंप अगले 2-3 महीनों में सोशल मीडिया पर वापसी कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर वापसी के लिए ये प्लेटफॉर्म भी खुद ट्रंप का ही होगा। आने वाले दिनों में ट्रंप का ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गेम चेंजर साबित होगा। आपको बता दें कि जब से ट्विटर से ट्रंप को सस्पेंड करने के बाद ब्लॉक किया गया था, तभी से डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर मौजूद नहीं है। जनवरी में कैपिटल हिल पर हुई घटना के बाद ट्विटर ने ट्रंप का अकाउंट 12 घंटे के लिए ब्लॉक किया, जिसके साथ ही उनके अकाउंट पर शेयर हुआ एक वीडियो और अन्य 2 ट्वीट हटा दिए गए थे, लेकिन बाद में उनके अकाउंट को हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वहीं उनके समर्थकों ने इस मामले में जमकर बवाल काटा था। समर्थकों का कहना था कि उन्हें चुप नहीं कराया जा सकता और अपने समर्थकों के इसी भरोसे को काम रखते हुए अब जल्द ही ट्रंप की सोशल मीडिया पर वापसी होने वाली है। DB Live की रिपोर्ट।